प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो देख चुके हैं, उसमें शब्द रूप का टॉपिक कराया था, आज ये संज्ञा शब्द के शब्द रूप टॉपिक खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आज का टॉपिक है ये संज्ञा शब्दों के शब्द रूप हम कर रहे थे, बात करें इसके बाद हम लेंगे सर्वनाम शब्द रूपाणी, सर्वनाम शब्दों के रूप, वो भी अपन को दो तीन दिन लगेंगे उनको करने में। तो सबसे पहले बात करें पति शब्द की, ये मैंने आपको अपवाद के रूप में लिखाया था, सारणी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपवाद, ये अपवाद है, सखी भी अपवाद है, लेकिन ये यहाँ पे करेंगे जो लास्ट में राजन शब्द के, ये अभ्यास के लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें आपका अभ्यास देखना पड़ेगा कि कितना अभ्यास आपने किया है। ठीक है, दो शब्द रूपों को पढ़ते हैं आज, अपवाद हैं, सारणी में देखना अपवाद के रूप में लिख रहे हैं, दो शब्द हैं, कौन से हैं, पति और सखी। इनको मैंने आपको बताया कि ये कौन से लिंग में आते हैं, ये लिंग में आते हैं पुलिंग में, कोई भी पूछ सकता है आपसे पति कौन सा लिंग है पुलिंग, सखी भी कौन सा लिंग है पुलिंग। इसकी बात करेंगे हम कि ये पुलिंग में क्यों आता है सखी शब्द। तो सबसे पहले बात करें पति की, देखिए शब्द क्या है पति, अपवाद तो वैसे भी होते हैं पति, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ये बनते हैं ना पति, जब ये पति बनते हैं, पति न बनने से पहले माँ की सुनते थे और बन जाए तब अलग माँ की सुनते हैं, तो अपवाद तो वैसे भी दिख रहे हैं, तो ध्यान रखना ऐसे ही कि पति अपवाद है। अब आप देखिए बच्चों कि इसमें मात्रा छोटी ई की है या बड़ी ई की, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटों को कितने रुपए दे दें, दो रुपए, क्या हो जाएंगे बड़े, ये मैंने पहले आपको समझा रखा है, पहले मैंने आपको समझा रखा है छोटों को दो रुपए देकर वो अपने आप को क्या समझते हैं बड़े। ठीक है, और ई की यण संधि की बात बताई थी, ई का यह कर दो, ठीक है, छोटों को दो रुपए देकर क्या हो गए बड़े, और ई का क्या कर दो ये। अब यहां पे सारणी में ध्यान दीजिए, मैं महलंत या ये युहू युहू यऊ, बताया था ना, पति शब्द जोड़ दीजिए, क्या हो गया पतिम। अब आपने एक शब्द रूप पढ़ा होगा हरी, जैसे कि आप कल्पना कर रहे होंगे सर ये तो हरी की तरह है, इकारांत पुल्लिंग है, यदि हरी की तरह इसके रूप चलते, हरी के समान इसके रूप चलते तो ये अपवाद ही नहीं होता, इसीलिए मैंने लिखा है अपवाद। ठीक है, अब हरी शब्द में यहां बनता था हरीना, देखो मैं बता रहा हूं हरी शब्द के, हरीना हरिये हरे हे हरे हरऊ ऐसे बनते थे, वहां लगते थे ना ये एहे एहे औ, क्या आपको लग रहा है सारणी में, नहीं लग रहा ना, तो हुए ना अपवाद, उसके अपोजिट चल रहे हैं। तो यहां पे मात्रा हटा करके अक्षर आधा करना है आपको, मात्रा हटा दी पति में से, वर्ण हमने क्या कर दिया आधा, तो क्या हो गया पत्या। अब ये ऐसे ही चलेगा, पत्ते पत्युहु पत्युहु पत्यु, ठीक है, देख लीजिए आप, पति में विसर्ग लग रहा है, पतिम पत्या पत्ते पत्युहु पत्युहु पत्यु, आ गया समझ में, यहां तृतीया से ध्यान रखना है, अब हरी शब्द में यहां पे वर्ण आदा नहीं हुआ था, देखो हरीना नहीं हुआ था, हरिये नहीं हुआ था, आधा आधा वर्ण नहीं हुआ था,
हरे हे नहीं हुआ था ना, हरे नहीं हुआ और हरव नहीं हुआ, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना है, पति शब्द में मात्रा हटानी है तृतीय विभक्ति में और वर्ण आधा करना है। तो क्या बनेगा, पत्या पत्ये पत्युहु पत्युहु पत्यु, प्रथमा के एक वचन में पति में विसर्ग लगाना है, द्वितीया के एक वचन में हलंत लगाना है, फिर पत्या पत्ये पत्युहु पत्युहु पत्यु, ये कितनी बार आएगा, बता रखा है दो बार। शब्द क्या है, पति, इसमें भ्याम लगा दो, कितनी बार, तीन बार, पतिभ्याम पतिभ्याम और पतिभ्याम। यहां वर्ण आधा कर लो और यो हो लगा दो, पत्य हो, कितनी बार, दो बार, ठीक है। ये बार बार इस तरह करेंगे तो आपको याद तो हो ही चुका होगा। कौन सा लिंग है, पुलिंग, मात्रा बड़ी करो और पुलिंग क्या करते हैं, नय में हलंत, मात्रा बड़ी करके नय में हलंत, पतिन, क्या बना, पतिन, फिर क्या लगाएंगे, भी भिय भिय, मात्रा बड़ी करके नाम और जो शब्द है उसमें शु, बता रखा है ना, बार बार हम यही चीजें पढ़ रहे हैं तो अभ्यास में हो चुकी होंगी। ये पति भी, पति शब्द जोड़ दीजिए, पतिभ्य पतिभ्य, मात्रा बड़ी करिए, पति नाम और जो शब्द है उसमें शु, पति शु। मैंने कल आपको बताया था कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में मात्रा बड़ी करनी है, ने में हलंत लगाना है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में मात्रा बड़ी करनी है, नाम लगाना है, ठीक है। तो ये पति शब्द के एक बार अभ्यास करते हैं, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे करना और ऐसे याद कर लो तो ऐसे करना, जैसा आपको अच्छा लगे जैसे कर लीजिए। दोबारा से रिपीट करते हैं, पति पतिम पत्या पत्ये पत्युहु पत्युहु पत्यौ, पति कितनी बार, दो बार, पतिभ्याम तीन बार और पत्युहो दो बार। बहुवचन पर चलिए, पत्य पतिन पति भी पतिभ्य पतिभ्य पति नाम पतिशु, मात्रा बड़ी कहाँ है, द्वितीया के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में। अब सखी तो ऐसा लग रहा है जैसे स्त्रीलिंग हो, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि इसका प्रथमा का एक वचन जो बनता है ना, क्या बनता है, बोर्ड पे देख लीजिए, सखा, क्या बनता है, सखा। अब सखा कौन से लिंग में आएगा आप बता दीजिए, पुलिंग, इसलिए सखी शब्द को, सखी इकारांत को पुलिंग में रखा है, ठीक है। यहां पे मैं मेहलंत लगेगा, फिर वही बात, या सारणी में रही थी अभी बताया था, या ये युहु युहु यु। अब बात करें सखा में हलंत लगाएं तो सखाम बनाएंगे आप तो, लेकिन यहां चेंज होगा सखायम, क्या बनेगा, सखायम, ध्यान रखना। सखा में डायरेक्ट में हलंत मत लगाना, यहां पे ये का आगम होगा तो ये क्या बनेगा, सखायम। अब सखी शब्द में मात्र हटाइए, खे को आधा कर दीजिए, क्या बनेगा, सख्या, आगे सख्य सख्युहु सख्युहु और सख्यु, ठीक है। अब बात करें द्विवचन की, एक वचन हमने पढ़ लिया, सखा सखायम सख्या सख्ये सख्युहु सख्युहु सख्यु। अब द्विवचन के बाद करें बात, द्विवचन की बात करें तो सखा में यौ लगेगा, सखायौ, और बहुवचन की बात करें तो यहां पे सखा में यह लगेगा, सखाए, ठीक है। ये सखायौ कितनी बार आता है, दो बार, देख लो,
अब जो शब्द है आपका सखी, इसमें भ्याम लगा दो, सखी भ्याम कितनी बार? तीन बार, सखी भ्याम सखी भ्याम सखी भ्याम। वही वर्ण आदा करना है और योहो लगाओ तो क्या बनेगा? सख्य हो कितनी बार? दो बार, सख्य हो। आया ना समझ में? लिंग कौन सा है? पुलिंग। मात्रा बड़ी करो शब्द की, शब्द सखी है, मात्रा बड़ी करो सखी और ने में हलंत सखिन। यहां क्या बनेगा? भी भे भे, मात्रा बड़ी करके नाम और जो शब्द है उसमें शु। सखी शब्द जोड़ दीजिए, सखी भी सखी भे सखी भ्य, मात्रा बड़ी करो सखी नाम और जो शब्द है उसमें शु, सखी शु। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि ये सखी भी सखी भ्य सखी नाम सखी शु, कभी कभी हो सकता है आपको यहाँ सखाभ्य आ जाए, सखाभ्य सखा नाम इस तरह से, क्योंकि प्रथमा का एक वचन क्या बन रहा है? सखा। तो वैसे तो ये राइट है जो मैंने आपको लिखाए हैं, एक बार देख लीजिए। एक वचन की बात करें, सखा सखायम सख्या सख्ये सख्युहु सख्युहु सख्यौ। द्विवचन की बात करें, सखायौ कितनी बार? दो बार, सखीभ्याम तीन बार और सख्यो हो दो बार। बहुवचन की बात करें, सखाय सखिन, मात्रा बड़ी करके नय में अलंत लगाना है, सखिन सखी भी सखीभ्य सखीभ्य, मात्रा बड़ी करके नाम लगाओ सखी नाम और सखी शु। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारा टॉपिक संज्ञा शब्द के शब्द रूप क्लियर हुए। अब ये अभ्यास के लिए लिया है मैंने राजन शब्द। कौन सा शब्द? राजन, ठीक है। हालांकि मैं ऐसा पढ़ा चुका हूं हलंत शब्द, हलंत शब्द की सारणी देखो, हलंत लग रहा है, देखो राजन में हलंत लग रहा है, लग रहा है ना? तो हलंत शब्द की सारणी याद रखनी है। क्या लिखाया था? मैं हलंत आ ए विसर्ग विसर्ग ई लिखाया ना, मैं हलंत लिखाया था आ ए विसर्ग विसर्ग ई। तो बात करें यहां पे वही सारणी रहेगी, मैं हलंत आ ए विसर्ग विसर्ग ई। अब कौन सा शब्द करवाया था मैंने आपको? उसमें भवत शब्द करवाया था, भवत यानी तकारांत या हलंत शब्द पुलिंग। देखना आप वीडियो को, कॉपी में जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनमें देखना। अब राजन शब्द है, तो राजन शब्द का प्रथमा विभक्ति आपको मात्र याद करनी है, बाकी याद कराना मेरा काम है। राजन का अर्थ क्या होता है आप जानते हो, आप स्वयं समझ गए। राजन किससे कहते हैं? राजा से, राजा आ गया ना। चलो एक वचन याद हो गया प्रथमा का, अब द्विवचन राजा में नव लगाओ, राजा नव, और बहुवचन बनेगा राजा ने हैं। ये प्रथमा विभक्ति याद रखनी है, राजा राजा नव राजा ने हैं, ठीक है, राजा राजा नव राजा ने हैं। अब बात करें हैं बच्चों, यहां में हलंत लगेगा, फिर यहां आ लगेगा, यहां पे ए लगेगा, सारणी में देखना, यहां पे विसर्ग लगेगा और यहां पे विसर्ग लगेगा और यहां पे ई लगेगा, ई की मात्रा, ये मात्राएं लगाई है मैंने आपको। यहां में हलंत आ ए विसर्ग विसर्ग ई, क्लियर। अब यहां भी तृतीय विभक्ति के एक वचन में चेंज होता है, क्या होता है? राजा और ने का आगम होता है राजानम, ने तो पहले से ही उसमें, तो मैं नहीं लगता यहां पे अम लगता है, तो राजन राजन शब्द में देखो आ की मात्रा भी आ रही है राजानम, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखना। यहां पे मैं समझा रहा हूं राजन,
ये जय है और बाद में ये ने जो है ये इस ने में बदलेगा, संधि हुई है यहाँ पे। तो जय और ने से जो बनता है, जो वर्ण बनता है वो क्या होता है, जय और ने से ये ज्ञ बनता है, बनता है नहीं, जय और ने से ये ज्ञ बनता है, ध्यान रखना, क्लियर, ये ज्ञ बनेगा, ध्यान रखो। तो यहाँ पे ये शब्द आएगा राज्ञ, राज्ञ में आ की मात्रा लगाओ, राज्ञा, ठीक है। अब ये ज्ञ जो रहेगा ये एंड तक रहेगा, देखो राज्ञ देख लीजिए, राज्ञ है, देखो राज्ञ है और राज्ञी देख लीजिए, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो ज्ञ बनाया है मैंने, जय भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि जय और ने से मिलकर बनता है, जय और ने से मिलकर बनता है ज्ञ, ठीक है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति के एक वचन से ध्यान रखना है, राज्ञ में आ लगाइए, राज्ञा, राज्ञ, राज्ञ है, राज्ञ है, राज्ञी। ये राजानव कितनी बार आएगा, दो बार। शब्द क्या है, राजन, तो ने का लोप होएगा यहां पे, राजभ्याम, क्या बनेगा, राजभ्याम, कितनी बार, तीन बार। राजभ्याम, 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 तीन बार होगी। यहां ज्ञ लगेगा, राज्ञ हो, कितनी बार, दो बार। अब बात करें बहुवचन की, कौन सा लिंग है, पुलिंग, लेकिन हलंत शब्द में मैंने बताया आपको भवत में, जो षष्ठी विभक्ति का और पंचमी का एक वचन है, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन जो यहाँ पे हैं वो द्वितीया के बहुवचन बनेंगे, ठीक है। देख लो, पंचमी का एक वचन राज्ञ, षष्ठी का एक वचन राज्ञ, तो द्वितीया का बहुवचन क्या बनेगा, राज्ञ। भवत शब्द के देखना, भवतय लिख रहा है वहाँ पे, इधर भी भवतय लिख रहा है, इधर भी भवतय और यहाँ भी भवतय। अब बात करें यहाँ क्या लगेगा, भी, फिर भिये, फिर भिये, यहाँ आम लगेगा, आम, और यहाँ क्या लगेगा, शु, ठीक है। राज शब्द जोड़ दो, ने का लोप होगा, राज भी, ठीक है, राजभ्य, राजभ्य, यहाँ राज्ञाम होगा, क्या होगा, राज्ञाम, और यहाँ होगा राजसु, देखो। तो आपकी नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए, ध्यान भी आपका एक जगह होना चाहिए, राजा के करवाए एक वचन देखते हैं, राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञ है, राज्ञ है, राज्ञी, द्विवचन देखो, राजानव कितनी बार, दो बार, राजभ्याम तीन बार और राज्ञ हो, दो बार। बहुवचन की बात करें, राजान है, फिर राज्ञ है, फिर राज भी, राजभ्य, राजभ्य, राज्ञाम, राजसु। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो हमने अभ्यास कर लिया, एक हलन शब्द और बता दिया, जैसे हमने भवत का बताया था पुलिंग, ऐसे ही राजन का बता दिया, नकारांत है, पुलिंग है, हलन शब्द, एक अभ्यास के लिए लिया था कि आप कितना पढ़ चुके हो, शायद अधिकांश बच्चों को ये याद नहीं था, अब ध्यान रखना। बात करें शुरुआत से दौरान के रूप में, पति, देखिए एक वचन देख लो, द्विवचन देख लो, बहुवचन देख लो, जैसे आपको ऐसे याद अच्छे हों तो ऐसे कर लीजिए और इस तरह याद हों तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। पति की बात करें, देखिए पति विसर्ग लग रहा है, पतिम, पत्या,
पत्ते पत्युहु पत्युहु पत्यु। पति में बड़ी की मात्रा कितनी बार है? दो बार। पतिभ्याम तीन बार और पत्यु हो दो बार। पत्य मात्रा बड़ी करके ने में हलंत लगाना है। पतिन पति भी पतिभ्य पतिभ्य पतिनाम पतिशु। ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि याद हो जाए तो कॉपी में इनको लिखने की कोशिश कीजिए। आगे बात करें सखी शब्द की। इसको पुलिंग में इसलिए रखते हैं कि इसका प्रथमा का एक वचन जो बनता है सखा बनता है। क्या बनता है? सखा। तो सखा यहाँ थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा, सखायम। सख्या ख्यादा करना है, सख्या सख्ये सख्युहु सख्युहु सख्यौ। द्विवचन की बात करें सखायौ कितनी बार? दो बार। सखीभ्याम तीन बार और सख्यो हो दो बार। बात करें बहुवचन की सखाए, विसर्ग लग रहा है, मात्रा बड़ी करके ने में हलंत लगाओ। सखिन सखी भी सखीभ्य सखीभ्य सखी नाम और सखी सु। मात्रा बड़ी सखी नाम में भी होगी, देख लो। अब ये अभ्यास के लिए था राजन शब्द का। तो क्या है? राजा राजानम, राज्ञा राज्ञे राज्ञ है, राज्ञ है राज्ञी। द्विवचन देखो राजानव कितनी बार? दो बार। राजभ्याम तीन बार और राज्ञ हो दो बार। बहुवचन की बात करें राजाने हैं। अब जो इधर देखिए पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन जो होगा वो द्वितीया का बहुवचन होगा, राज्ञ है। राज भी राजभ्य राजभ्य राज्ञाम और राजसु। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ जो भी आपको पढ़ाया है वो समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। इनको लर्न कीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि लर्न हो गया तो एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। तो अभ्यास ही एकमात्र जरिया है जिससे हम किसी भी अध्ययन को हम याद नहीं रखते, यानी कहने का मतलब रटते नहीं हैं, वो दिमाग में स्थायी हो जाता है लिखने से। लिखी हुई चीज़ कभी दिमाग से हटती नहीं है, वो स्थायी हो जाती है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इनको एक कॉपी में लिखिए। ठीक है, ओके, आज के लिए ही।